हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ डीमेलन क्रीम के बारे में। डीमेलन क्रीम क्या है, कब यूज़ करनी है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कैसे यूज़ करनी है, किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस क्रीम के साथ। तो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि डीमेलन क्रीम है क्या। डीमेलन क्रीम यूज़ की जाती है, एक मेडिकेटेड क्रीम है जो कि यूज़ की जाती है पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्पॉट्स, सनबर्न है, अनइवन स्किन टोन है, डिसकलरेशन का प्रॉब्लम है, तब ये क्रीम यूज़ की जाती है। और अगर आप में से किसी ने कभी स्कार्स के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए या फिर नॉर्मल जो दाग धब्बे हो गए हैं पिगमेंटेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया होगा तो ये क्रीम आपके डॉक्टर ने हो सकता है सजेस्ट की हो। तो काफ़ी पॉपुलर है पिगमेंटेशन को, दाग धब्बों को दूर करने के लिए। किसी भी क्रीम को हम जज करते हैं उसके इंग्रेडिएंट से, और ये जो क्रीम है बड़े ही पावरफुल तीन इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, वो है कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और अल्फ़ा आरब्यूटिन। ये तीनों चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। इस क्रीम में अल्फ़ा आरब्यूटिन 10%, कोजिक एसिड 2% और ग्लाइकोलिक एसिड 5% यूज़ किया गया है। और कोजिक एसिड जो होता है वो स्किन को लाइटन करने का काम करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है और एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है स्किन के लिए। और ग्लाइकोलिक एसिड डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, हाइपरपिगमेंटेशन को दूर करता है, एक्ने से फाइट करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। अल्फ़ा आरब्यूटिन जो है एज स्पॉट्स को कम करता है, फ्रेकल्स, मेलाज्मा, इन्फ्लेमेशंस जैसी चीज़ों को ये कम करता है। अब बात करते हैं इस क्रीम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सन से स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को, टैनिंग की प्रॉब्लम को ये दूर करता है। एक्ने पिंपल्स जो मार्क्स छोड़ते हैं उनको ये ट्रीट करता है, एक्जिमा की प्रॉब्लम को दूर करेगा, ब्राउन पैचेस हो गए हैं, स्पॉट्स हो गए हैं हार्मोनल और एक्ने के बाद जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनको ये ट्रीट करता है, प्रेगनेंसी मार्क्स को भी ये ठीक करता है, पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है और रेडिएंट बनाता है। तो अब बात करते हैं इस क्रीम को यूज़ कैसे करना है, और यूज़ कैसे करना है इसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ कैसा रहा। जब भी आप कोई ऐसी चीज़, ऐसे क्रीम्स लगाते हो जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड हो और ऐसे एसिड वगैरह हो, ऐसी चीज़ें हों जो दाग धब्बों को ठीक करती हों, पिंपल्स को ठीक करती हों, तो उनको दिन में तो नहीं लगाना चाहिए। और इस क्रीम में मेंशन है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो रात में तो दिन में सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, हर वीडियो में कहती हूँ, वही बात रिपीट कर रही हूँ कि सनस्क्रीन तो लगाओ, चाहे घर पर रहते हो, बाहर जाते हो, जो भी करते हो, सनस्क्रीन तो लगाना ही है। इस क्रीम को अच्छे से चेहरा धो लीजिए और ड्राई कर लीजिए, इसके बाद आप इस क्रीम को लगा लीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तब आप कोई भी मॉइस्चराइज़र इसमें मिक्स करके लगा सकते हो, या फिर पहले आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए उसके बाद ये क्रीम लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र जो भी है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए जैसे विटामिन सी हुआ, रेटिनॉल वगैरह, उसमें नहीं होना चाहिए। और सेफ चीज़ें होनी चाहिए, नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि जब ये इस क्रीम के साथ मिक्स हो तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। क्रीम के ऐसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जब भी आप ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते हो तो ड्राइनेस आ जाती है, और अगर आपको इचिंग हो रही है इसको लगाने के बाद और कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स आपको लग रहे हैं तो आप इसको बंद कर दीजिए। ड्राइनेस होना नॉर्मल है, ड्राइनेस तो हो ही जाती है क्योंकि आपकी स्किन पील होती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब इतनी जल्दी पील नहीं होती है, पर ड्राई स्किन पे आप ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे तो जल्दी पील होगी और आपको ड्राइनेस ज़्यादा लगेगी, तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। एक बात और, अगर आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करना शुरू कर दीजिए, रेगुलर यूज़ नहीं कीजिए। तो अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ कैसा रहा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर काफ़ी टाइम पहले मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। मैं कल अपना एक पुराना वीडियो देख रही थी तो उसमें मैंने देखा, मैंने इस क्रीम के बारे में बताया है, पर उस टाइम ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं था, चैनल नया था, कोई इतना नहीं देखता था, तो मैंने सोचा चलो अभी एक बार और बताना चाहिए मुझे इस क्रीम के बारे में कि इसने मेरी स्किन पे कैसे काम किया। तो मैं बहुत दिनों से रेटिनॉल यूज़ कर रही थी, रेटिनो ए यूज़ कर रही थी, और शायद मैं गलत तरीके से यूज़ कर रही थी या फिर
आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मैं सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं करती थी। मुझे लगता था सनस्क्रीन मेरे स्किन पे काम नहीं कर रहा है, तो मैं बिना सनस्क्रीन के ऐसे ट्रीटमेंट यूज़ करती थी जिससे कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेड रेड होने लगी थी और दाग धब्बे तो थे ही। तब मैंने इस क्रीम को यूज़ करना शुरू किया, मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था ये क्रीम यूज़ करो, तो मैंने ये क्रीम यूज़ करना शुरू किया। 1 वीक में रेडनेस तो ख़त्म हो गई पर दाग धब्बे दूर होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इस क्रीम की बस यही प्रॉब्लम है कि आपको इसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते हैं, थोड़ा लंबे टाइम तक आप यूज़ करेंगे तब इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, पर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मार्केट में ज़्यादातर ऐसी क्रीम्स हैं जो स्कार्स वगैरह को दूर करती हैं, उनके रिजल्ट्स तुरंत मिल जाते हैं पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं पर आपको रिज़ल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो स्कार्स होते हैं, एक तो स्कार्स होते हैं जो जैसे पिंपल ठीक हुआ और ऊपर ऊपर स्कार हो गया, मतलब आपकी स्किन की जो आउटर लेयर है उस पर स्कार्स हो जाते हैं, और एक होते हैं जब आप पिंपल को दबाते हो, नोचते हो, ये सब करते हो तो बड़े जख्म टाइप के हो जाते हैं, वो वाले जो दाग होते हैं उनको जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। पर अगर आपको हल्के ब्राउन दाग हैं तो 15-20 दिन जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपके दाग धब्बे लाइट होते नज़र आएंगे। सिर्फ दाग धब्बे ही लाइट नहीं होंगे, आपकी स्किन टोन इवन होगी, आपकी स्किन हेल्दी नज़र आएगी क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए गए हैं। पर अगर आप चाहते हो कि अरे 2 दिन में ही आपके दाग धब्बे ठीक हो जाएँ, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपको डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, तब तो आपको 2-3 महीने तक इसको यूज़ करना पड़ेगा, तब इसके रिजल्ट्स मिल पाएंगे। तो इस क्रीम को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना है, 2-3 महीने आप यूज़ करो, अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो नहीं तो जब आपको रिजल्ट्स मिल जाएँ इसके फिर इसको यूज़ करना बंद कर दो और जो आपकी रेगुलर चीज़ें हैं उसको यूज़ करना शुरू कर दो। ये क्रीम को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन टोन भी थोड़ी सी लाइट नज़र आएगी क्योंकि टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, ये क्रीम उसको भी ठीक करता है। पर ये कहना गलत है कि ये क्रीम आपकी स्किन को वाइट करेगा, गोरा करेगा, नहीं, पर हाँ स्किन को हेल्दी बनाएगा और आपकी स्किन टोन इवन और जो भी आपका रियल कलर है वो आपका आ जाएगा इसको यूज़ करने के बाद। किन किन लोगों को इसको यूज़ नहीं करना है, जिनको स्किन पे एलर्जीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, कुछ कट वगैरह हैं, वो लोग इसको यूज़ नहीं करें। इसके साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप फीड करवाती हैं, तब आप इसको यूज़ ना करें, और 18+ लोग ही इसको यूज़ करें, उससे आप छोटे हो तो इस क्रीम को यूज़ ना करें। ये सारी बातें इस क्रीम में मेंशन है। अगर आपकी स्किन पे डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है और पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, दूर नहीं हो रहे हैं, तो आप एक बार इस क्रीम को ज़रूर यूज़ करके देखें। और आप अभी अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको सूट भी कर रही हैं चीज़ें, तब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही चीज़ें यूज़ करो। पर अगर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लेके थक गए हो, कोई भी असर नहीं कर रहा है, तब आप इस क्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो, काफ़ी अच्छी है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो 2-3 दिन कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, असर नहीं दिखा तो बस या तो दूसरी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देंगे या फिर वो चीज़ करना ही छोड़ देंगे। तो 2-3 दिन में तो नहीं दिखेगा, आपके अंदर पेशेंस है, 15-20 दिनों तक कम से कम लगा के देखो, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और काफ़ी अच्छी क्रीम है और रिव्यूज़ आप कहीं भी देख सकते हो, बहुत अच्छे हैं इसके, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।